कभी आदमी नहीं देखे होगा बकलोल। काहे आंखें फट फट के क्या देख रहे हो? अरे पहले कभी नजदीक से भैंसा नहीं देखे ना, इसीलिए आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अरे भाई साहब, कोटी लगी है क्या आपको? नहीं तो बकलोल, फालतू बकवास ना करो उनसे। तो ऐसे मुंह बना के कहे बैठे हो? लग रहा है कई दिन से पोटी ना किए हो, दबा के बैठे हो का? भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। काहे तुम कहाँ जा रहे हो? सोच रहे थे थोड़ा पेशाब वेशाब करके हल्का हो लेते हैं। अरे तब इन्हें भी लेते जाइए, बेचारे कब से दबा के बैठे हैं, मुंह भी लाल हो गया इनका। हाँ, क्यों नहीं, चलो भाई साहब, हम आपको कंपनी दे देंगे और आप हमको कंपनी दे देना। भाई साहब, अरे लाल मुंह वाले भाई साहब, वो आप ही से पूछ रहे हैं, हल्का हल्का होंगे? अरे बोल काहे नहीं रहे हैं? लगता है भाई साहब गूंगे या बहरे हैं। लगता है सच में बहरे हैं। तुम टीटी हो? नहीं। तुम स्टेशन मास्टर हो? नहीं। तुम प्रधानमंत्री हो? नहीं। तुम हमारी बीवी हो? अरे भाई साहब, हम आपकी बीवी कैसे हो सकते? दोबारा हमसे कुछ बोले तो कनपट्टी के साथ साथ पिछवाड़ा भी लाल कर देंगे तुम्हारा। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? अब तुम कौन हो? अरे बुर्बक, हम हैं यहाँ के नए रेल मंत्री। बताओ, अगर कोई समस्या वमस्या है तो अभी समाधान कर देते हैं। मंत्री जी, आपकी ट्रेन पूरे 420 सेकंड लेट है। ऐसे में यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है आपको पता भी है? तो बुर्बक, अरे हमने गारंटी थोड़ी ना लिया है तुम्हारी ट्रेन का। अब ट्रेन लेट चले या जैसे चले, हम मंत्री बने हैं तो इसलिए थोड़ी ना बने हैं कि तुम्हारी ट्रेन चला के टाइम पे ले आएंगे। ये तो तुम जानो, तुम सबकी ट्रेन कब चल रही है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। लेकिन मंत्री जी, अगर आप चुप, दोबारा मत पूछना हमसे इस बारे में, वरना उठा के फेंक देंगे ट्रेन के नीचे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और आप भाई साहब, आपका मुंह लाल क्यों है? पोटी वोटी लगी है का? दबा के बैठे हो? अरे हमने इतने सुलभ शौचालय बनवाए हैं, जाइए उनका इस्तेमाल करिए, दबा के बैठने का क्या मतलब है? जाइए जाइए, नहीं तो कहीं सीट वीट खराब हो गई तो रेल डिपार्टमेंट को ही साफ करवाना पड़ेगा। अब हमें खड़े खड़े का देख रहे हो? जल्दी से जाओ, बाथरूम वहाँ है भाई, कहीं यहीं हल्का मत हो।